जिनके मामा सुकनी और सुसरमा थल बल में पूरे थे, अड़ी भीड़ न और टनिया सोसुरा के सूरे थे, महाभारत के युद्ध के माँ बता किसके धन खूरे थे, लक्ष्मी चंद गुरु के धोर मांगे राम जमूरे थे, लौट पलंग पत्रे पाँच अबू की मन खुश होकर नंदलाल बता, सात जीत की ग्यारह हारी कैसे हुआ कमाल बता, कि महाराज मेरा बेटा भर दे के रुकमणे हार जीत का रोड़ा है नादा, रे पाप हार गया धर्म जीत गया इस तपड़ा जी करा नादा, और ले मतरा पेटा भरूंगा तन जिन जिन योद्धाओं के नाम गिनाए हैं रे उनका धर्म के बनेगा और उनने के कर यार न्यू मरे वे जवाब देता है कृष्ण भगवान रुकमण के सवालों के, क्या कहता है क्या ए रचरी पीर की बैठ गया, क्या उसका धर्म बने था, उसने उड़ा धर्म छोड़ा क्यों मरना पड़ा पहले नंबर पे करते ही बार बार धन्यवाद है धन्यवाद कर्ण का जिक्र करता है।
देखिया कर्ण का जिक्रा करिया, देखिया कर्ण न्यू मरिया, चक्रव्यूह का खेल रचा गया, लड़के अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा लिया जाता है। सारा कौरव दल एक तरफ था, लड़का अभिमन्यु एक तरफ था, एक साथ सभी ने मिलकर वार कर दिया। नीचे पड़िया पड़िया कर हवे पानी का इशारा करता है कर्ण की तरफ करिया, सब तपेला कर्ण नाट गया, वही पानी यु क्षेत्र में दल दल कर गया, यू मरना पड़ा उसने दो नंबर पर। दर्शन भगवान रुक्मण से ये कहते हैं कि रुक्मण यो सारा काल माता ने मेरा मुसल दिया, मैंने तो दोनों थोकों को समझाने की कोशिश भी करी थी, युद्ध होने से पहले भी समझाए थे, युद्ध क्षेत्र में भी समझाया दुर्योधन को, मैंने शिविर में जाके कि दुर्योधन अरे आपस में भाई हो, आपस में ये बैर कसाई ठीक नहीं है, आपस के बैर विवाद से नफा किसी को है ना, बहुत ओके चले गए के लोगे, लेकिन दुर्योधन ने मान ली कोई ना, न्यू मरना पड़ा दुर्योधन ने, क्या कहा
भाई भाई सतबीर शौर पिशोर मानसमान हौसला बधाई करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। गुरु द्रोणाचार्य का जिक्र कराया देखिए न्यू मरिया वो एक सच्चा ब्राह्मण होकर अपना कर्म छेड़ दिया उसने। रुक्मण कभी समझ में आएगी हाथ जोड़ लिए महाराज क्यों कर छेड़ दिया। एक एकलव नाम का लड़का गुरु द्रोणाचार्य के पास में धनुष बाण चलाने की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुंच जाता है। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा भी कौन है तू। मैं एक भील जाति से बिलोंग करता हूँ। ने बोला मैं केवल क्षत्रियों को शिक्षा देता हूँ और किसी को शिक्षा नहीं देता। नाट क्या क्या उसका ये धर्म बने था। लेकिन लड़के एकलव्य ने मिट्टी की तस्वीर बना के गुरु द्रोणाचार्य की अपने श्यामी रख के धनुष बाण चलाने की शिक्षा प्राप्त कर ली। इतना बड़ा धनुषधारी हो गया कर्ण से और अर्जुन से बढ़ गए। एक दिन उसी जंगल में गुरु द्रोणाचार्य का फेरा लगता है। एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। जो ही कुत्ते का मुंह खुला लड़के एकलव्य ने 100 तीर छोड़ दिए। गुरु द्रोणाचार्य ये नजारा देखा था जाकर देखा अरे इतना बड़ा धनुषधारी अर्जुन से और कर्ण से बढ़कर कौन है चल कर देखना चाहिए। जाकर देखा पूछा कौन है तू। गुरु जी मैं आपका शिष्य हूँ एकलव्य ये मेरा शिष्य है। देखिए उड़ा धर्म छोड़ दिया छल कर दिया उसके साथ में। कि मेरा शिष्य है मैं तेरे से कुछ मांगना चाहता हूँ अपना सर झुका दिया। मेरा सर नहीं जिस हाथ में जिस अंगूठे तो वो तीर चलाओ तो अंगूठा मांग लिया। लड़के एकलव्य ने वो काट कर दे दिया। गुरु द्रोणाचार्य न्यू हथेड़ी करे खड़ा अंगूठा फेंक दिया न्यू हथेड़ी खोल दी नीचे पड़ गया था कोन्या क्या उसका ये धर्म बनेगा। उसने अपना धर्म उड़ छोड़ा न्यू मरना पड़ा क्या कहा आखिरी नंबर पर। चार बातें भाइयों की